हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 45 है। इसके अंदर हम ऑर्डर डिटेल पेज डिजाइन करेंगे एडमिन पैनल के अंदर। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे कि ये हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि एक्सेल में जाएंगे, व्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो इस ऑर्डर की डिटेल हमें दिख जाती है। ठीक है, तो सबलाइन में आते हैं। इसके अंदर हम चलेंगे मैनेज ऑर्डर। मैनेज ऑर्डर के अंदर व्यू ऑर्डर पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एडमिन के अंदर व्यू ऑर्डर। ठीक है, कौन से ऑर्डर की डिटेल देखनी है उस ऑर्डर की यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, तो ऑर्डर आईडी। ठीक है, क्लिक करेंगे, व्यू ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये 32 नंबर का ऑर्डर है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि टारगेट इसका ब्लैंक करेंगे, टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक। ठीक है, ये अगली टैब पर ओपन हो जाएगा। क्लिक किया, 32 नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी डिटेल को शो करवाते हैं। एडमिन में चलेंगे, यहाँ पे हम आते हैं, कॉपी करते हैं इसमें, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं इस जगह पे पेस्ट। इसको हम लिखते हैं व्यू ऑर्डर। ठीक है, कौन सा ऑर्डर देखना है, ये वाला। पेज लोड करते हैं $1, दिस लोड व्यू। ठीक है, व्यू का नाम है एडमिन, वो एडमिन का फोल्डर है, इसके अंदर है ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, इस ये वाला पेज है। ठीक है, क्लिक करते हैं दोबारा। ठीक है, ऑर्डर डिटेल के नाम से पेज बनाया हमने, रिफ्रेश करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर डिटेल वाला पेज कैसा रहेगा। क्लिक किया और ये हमारा ऑर्डर डिटेल का पेज है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र का शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, और उसके नीचे हमारा जो ऑर्डर का स्टेटस होएगा वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम आते हैं और एक नया पेज बनाएंगे। हम पेज को कॉपी करते हैं, जैसे कि मैनेज ऑर्डर को ही कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कॉपी, और न्यू फाइल बना देते हैं ऑर्डर डिटेल्स डॉट PHP। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा पेज बन गया। ठीक है, और जो इसका ऊपर का जो भी है सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से, BTN होवर, BTN ड्रॉप डाउन, सर्च कैटेगरी, पेजिनेशन वगैरह सब हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने कंप्लीट हटा दिया है इसको यहाँ से। और इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसको हम एक H6 दे देते हैं, H6 की जगह हम इसको H5 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं शिपिंग एड्रेस। ठीक है, इस शिपिंग एड्रेस क्या है, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम H6 लेते हैं, इसमें लिखेंगे यूज़र डिटेल्स / एड्रेस। में हम लिखते हैं, जैसे जो भी यूज़र का एड्रेस रहेगा वो आ जाएगा, पहले उसका यूज़र नेम आ जाएगा, जैसे दीपक टेलर DR, उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गई यूजर की डिटेल। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ऑर्डर उसने किया है उसकी आइटम की लिस्ट दिखानी है, ठीक है। तो दूसरा कार्ड बनाएंगे इसके लिए, हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा कार्ड है और इसको हमें क्या देना है, ठीक है, इसको बाकी का हटा देते हैं, शिपिंग एड्रेस की जगह लिखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, कि जो भी उसने ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। और इसके बाद हम लिखेंगे डॉलर बेस कार्ड कंटेंट पैडिंग 0 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद में हमें देना है एक टेबल बनानी है जिसमें डिटेल दिखानी है, ठीक है। तो टेबल क्लास टेबल, टेबल के अंदर बनेगा टी आर के अंदर हम बनाएंगे टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग के अंदर हम लिखते हैं ऑर्डर आईडी, ठीक है। दूसरा टी एच बनाते हैं, इसको हम देते हैं नेम प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद में हम देते हैं रेट दे देते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो ये हमारा टेबल हेडिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, रिफ्रेश किया, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट लाइन रहेगा वो हम रखेंगे राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में हमें क्या करना है, रेट को हम राइट करेंगे टेक्स्ट अलाइन राइट, क्वांटिटी भी हम स्टाइल देते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। और इसको रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तीनों को हमने राइट कर दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, कि यहाँ से हम TD लिखते हैं, TD के अंदर जो भी ऑर्डर आईडी आ रही है वो ऑर्डर आईडी, इसके बाद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इस प्रोडक्ट नेम को हम बना देंगे लिंक, ठीक है, कि प्रोडक्ट की डिटेल देखने के लिए कि प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। प्रोडक्ट को लिंक बना दिया, इसके बाद हमें देनी है इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद हमें देना है इसका अमाउंट, और इसके बाद हमें देना है टोटल अमाउंट, ठीक है। जितना भी इसका टोटल अमाउंट रहेगा वो आ जाएगा। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, स्टाइल राइट देना है, कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये राइट में चला गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा दूसरा कार्ड, एक तो इसको सेंटर नहीं किया, ठीक है, ये सेंटर हो गया है और ये हमारा राइट में चले गया है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि एक और कार्ड बनाना है, ठीक है, उसके अंदर हमें ऑर्डर का स्टेटस दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कार्ड पे,
ऊपर से कॉपी करेंगे ये वाला, कॉपी करते हैं कॉपी, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरा कार्ड कंटेंट बनाएंगे, इसके अंदर हम देते हैं H6, इसमें लिखेंगे ऑर्डर स्टेटस और इसको हम देते हैं सेलेक्ट बॉक्स, नेम देंगे इसको स्टेटस। ठीक है, और इसको ऑप्शन देते हैं, जैसे कि ऑप्शन हम इसे क्या क्या देंगे, एक तो पेंडिंग, ठीक है, दूसरा हम इसको देते हैं पेंडिंग के बाद जैसे पैक, पैक पैक के बाद डिस्पैच, डिस्पैच के बाद डिलीवर्ड। ठीक है, ये हमने इसको चार ऑप्शन दे दिए कि जो भी स्टेटस वगैरह जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने बाहर ही निकाल दिया। कार्ड कंटेंट के अंदर रखना है इसको, कार्ड कंटेंट। ठीक है, कार्ड कंटेंट के अंदर डाल दिया और जो सेलेक्ट बॉक्स है वो नहीं आ रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले नन होता है, तो सेलेक्ट डिस्प्ले इसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास शो हो रहा है और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे कि ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो जाए। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं इसको बटन बनाते हैं, बटन टाइप सबमिट क्लास BTN वेब इफेक्ट वेब लाइट। ठीक है, स्टाइल बैकग्राउंड ब्लैक, उसको लिखते हैं अपडेट स्टेटस। ठीक है, कि यहाँ से आप स्टेटस अपडेट कर सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, और जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है इसको भी डिज़ाइन कर देते हैं, तो बॉर्डर एक पिक्सल सॉलिड सिल्वर। ठीक है, इसकी हाइट हम देते हैं 40 पिक्सल और इसको हम करते हैं मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, ये ऑर्डर का स्टेटस हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऑर्डर का स्टेटस चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं काइस कार्ड कंटेंट में, तो इसकी जो पैडिंग है हम रख देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद फॉन्ट साइज चेंज करते हैं 14 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500 और कलर इसका ग्रे रख देते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो सेलेक्ट बॉक्स है इसको जो विड्थ हमें देनी है वो 40% करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से मोटर का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। पेज तो हमने ये डिज़ाइन कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोलर में जाएंगे admin.php, इसके अंदर हमें क्या करना है, आर्गुमेंट सेट करना है हमें
जहाँ पे ऑर्डर आईडी, सबसे पहले तो जहाँ पे आईडी इक्वल ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम उठाते हैं डॉलर दिस कोड मॉडल फेच रिकॉर्ड बाय आर्गुमेंट, टेबल नेम है एमएस ऑर्डर्स, ठीक है। एक डिटेल तो हमें इसमें से उठानी है, और जो ये डिटेल उठाएंगे उसको हम लिखते हैं ऑर्डर डिटेल, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स। दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें क्या बनाना है कि अब हमें उठानी है ऑर्डर आईडी से, ठीक है। ऑर्डर आईडी जहाँ पर होनी चाहिए, ऑर्डर आईडी वो हम उठाएंगे ऑर्डर प्रोडक्ट की टेबल से। तो डॉलर दिस रोड मॉडल फेच रिकॉर्ड बाय आर्ग्यूमेंट एम एस ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया है। इसके बाद हम देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से, ठीक है, और इस दोनों को इस पेज में पास कर देते हैं डाटा के नाम से, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्डर डिटेल में टाइटल चेंज करते हैं ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है। शिपिंग एड्रेस चेंज करेंगे कि इसका यूज़र नेम क्या है, ठीक है। तो यूज़र नेम हमें क्या देना है, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर जीरो इंडेक्स का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, दीपक टेलर, और उस यूज़र का एड्रेस क्या है, ठीक है। ऑर्डर डिटेल्स जीरो इंडेक्स का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस में एरर आ रही है तो इसको हम क्या देते हैं, किस नाम से है ये, एड्रेस के प्रति एरर आ गया इसमें अनडिफाइंड का, ऑर्डर्स के अंदर आएगा शिपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, रिफ्रेश करेंगे, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ऑर्डर डिटेल के अंदर लाइन नंबर 20, शिपिंग एड्रेस के नाम से ही है, ठीक है, गलत लिखा हुआ इसलिए शिपिंग एड्रेस में इसका एड्रेस भी आ गया। इसके बाद हमें प्रोडक्ट की लिस्ट को शो करवाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन इफ प्रोडक्ट लिस्ट इज ट्रू, काउंट करेंगे पहले तो से काउंट प्रोडक्ट लिस्ट, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉर ईच लूप चलाएंगे प्रोडक्ट लिस्ट एज प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, और अब यहाँ पे लिख देते हैं एंड फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पे हमारा लूप बंद हो गया, जिसके बाद हमें क्या करना है else के अंदर हम लिखते हैं एंड इफ TR TD कॉल स्पैन देना है, कॉल स्पैन हमें कितना देना है इसके अंदर, कॉल स्पैन हमें देना है 5 का, ठीक है, कॉल स्पैन 5, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ रहा है। कौन सा नंबर का ऑर्डर खोला है हमने, 32 नंबर का, क्योंकि 32 नंबर का यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर 32 नंबर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो 32 नंबर की जगह हम ओपन करेंगे 2 नंबर का, ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खूब सारे प्रोडक्ट हैं, 2 के अंदर खूब सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो हमें चेंज करना है इसकी ऑर्डर आईडी को, तो प्रोडक्ट लिस्ट की ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी दो है और प्रोडक्ट नेम क्या है इसका, लिंक इसको पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट नेम, ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट नेम हो गया। इसके बाद इसे क्वांटिटी देनी है, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के बाद इसे देना है रेट, ठीक है, ये इसकी रेट हो गई, इसको नंबर फॉर्मेट में डालेंगे। और इसके बाद हमें क्या देना है, जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो हमें देना है, ठीक है, और हमारा जो टोटल अमाउंट है वो होगा प्रोडक्ट लिस्ट क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट लिस्ट रेट, ठीक है, ये हमारा टोटल अमाउंट रहेगा। और इसको हम ले लेते हैं टोटल अमाउंट का एक वेरिएबल में, ठीक है, और हम यहाँ पे इको करेंगे इसको, इको नंबर फॉर्मेट टोटल अमाउंट, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया तो ये टोटल अमाउंट भी आ गया। अब हमें क्या करना है इसके बाद कि इस प्रोडक्ट को लिंक देना है, लिंक हमें क्या देना है, बेस यूआरएल होम, होम के अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स स्लैश प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या है इसका, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, क्लिक करते हैं, ये प्रोडक्ट की डिटेल भी आ रही है, तो इसको नई टैब पे डालेंगे। नई टैब पे डालने के लिए इसको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे, ठीक है, लैपटॉप देखना है तो ये लैपटॉप की डिटेल आ गई, ठीक। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो ऑर्डर का स्टेटस है वो अभी क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पीएचपी इफ ऑर्डर डिटेल्स जीरो ऑर्डर स्टेटस इक्वल इक्वल अगर पेंडिंग है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, एल्स इफ अगर ऑर्डर डिटेल्स जीरो इंडेक्स ऑर्डर स्टेटस इक्वल इक्वल पैक्ड है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, एल्स इफ अगर ऑर्डर स्टेटस डिस्पैच है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, और ऑर्डर स्टेटस डिलीवर्ड है तो ये वाली चलेगी, एल्स में हमारी एल्स की कंडीशन चलेगी और यहाँ पे एंड इफ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं और इसको तो यहाँ से करते हैं कट। सबसे पहले हम आते हैं पेंडिंग के अंदर, अगर मान लीजिए पेंडिंग अगर स्टेटस है तो इसका क्या रहेगा, तो ये सेलेक्टेड रहेगा पेंडिंग ओनली, अगर पैक्ड स्टेटस है तो क्या होगा कि जो पैक्ड है वो सेलेक्टेड रहेगा। एल्स इफ में क्या करना है कि अगर डिस्पैच अगर सेलेक्टेड है, स्टेटस अगर डिस्पैच है
तो डिस्पैच को सेलेक्टेड रखेंगे, और एल्स इफ अगर डिलीवर्ड स्टेटस है तो हमारा डिलीवर्ड सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। एल्स अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाएगा, वो सेलेक्टेड रहेगा सेलेक्ट स्टेटस, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, ये ऑर्डर डिलीवर्ड है, ठीक है, ऑर्डर नंबर 2 डिलीवर्ड है, चेक कर लेते हैं, ऑर्डर नंबर 2 डिलीवर्ड है तो इसलिए डिलीवर्ड सेलेक्टेड आ रहा है। मैं जैसे कि ऑर्डर नंबर किसको खोलता हूँ, ऑर्डर नंबर में खोलता हूँ 9 को, क्लिक किया व्यू ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऑर्डर नंबर 9, ऑर्डर नंबर 9, पेंडिंग, ठीक, चेक करते हैं एक बार, पेंडिंग ऑर्डर PENDING, ठीक है, पेंडिंग होता है तो हमने क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ई करना पड़ेगा इसको, पेंडिंग, पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है और ये भी पेंडिंग है, ठीक है। होम पे आते, होम कंट्रोलर के अंदर ही हमारा जा रहा था, ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कंप्लीट परचेज के अंदर ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, ठीक है, तो अभी सही जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, ऑर्डर नंबर 9 के अंदर पेंडिंग आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर नंबर 9 पेंडिंग है, वो मैच नहीं कर रहा इसलिए पेंडिंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी ए लिखा हुआ है, हमने कंडीशन में पी ई दिया हुआ है तो ये गलत है। तो जैसे मान लीजिए 8 नंबर का है तो 8 नंबर को हम कर देते हैं डिस्पैच कर देते हैं, जैसे मान लीजिए डिस्पैच, ठीक है, और कौन से नंबर को खोलना है, डिस्पैच हमने दिया है 8 नंबर को, क्लिक करेंगे व्यू ऑर्डर पे, क्लिक करेंगे तो डिस्पैच सेलेक्टेड है, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर सेलेक्टेड है। अब इस लेक्चर का काम हमने कंप्लीट कर लिया है, अब अगले लेक्चर में हमें क्या करना है कि एक प्रिंट स्लिप के नाम से बटन बनाना है और उसके अंदर हम एक प्रिंट आउट डिज़ाइन करेंगे कि जो हमारा शिपिंग लेवल होता है उसको हम डिज़ाइन करेंगे कि प्रिंट स्लिप पे क्लिक करने पे उसको हम प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। इस लेक्चर में हमारा इतना ही काम था तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।